पीपल्स पार्टी के हुकूमतों का कोशिश होता है कि हम कम से कम आम आदमी का जीना में कोई आसानियां पैदा करें। औरंगी टाउन का रहायशी यह है अब्दुल कादिर, जो ठेले पर फालूदा फरोख करता है। अब्दुल कादिर के अकाउंट में 2,25,00,000 रुपए मौजूद हैं। रिक्शा चलाने वाले के अकाउंट से 3 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन, 2014 में इंतकाल करने वाले मोहम्मद इकबाल आरई के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन। फेडरल बी एरिया के बैंक में खातून के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन। चपरासी मलिक मकसूद के अकाउंट में 3,30,00,000 से ज्यादा की रकम जमा कराई गई। जितना रोजगार उस वक्त के नौजवानों को मिला था वो भी तारीख का हिस्सा है। भत्ते, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, जमीनों पर कब्जे। 1,20,00,000 रुपए महाना भत्ता वसूल करता था, 20,00,000 रखकर बाकी आगे दे दिया करता था। पाकिस्तान को सदर जरदारी ने गंदम का इम्पोर्टर होते हुए एक गंदम का एक्सपोर्टर एक साल के अंदर बना दिया था। सिंध ने 15 अरब रुपए की गंदम चोरी। सिंध में सूबे के 9 अजला में अरबों रुपए मालियत की सरकारी गंदम की 6,00,000 बोरियां गायब। मैं अपने महकमे खुराक सिंध के गोदामों से 1 अरब रुपए से जायद मालियत गंदम की 2,00,000 बोरियों की चोरी पकड़ी है। 2 से 2.5 लाख गंदम की बोरियां सिंध हुकूमत के वेयर हाउसेज से गायब हो गयी। सिंध की 1,68,000 मेट्रिक टन गंदम सरकारी गोदामों से गायब हुई और चोरी कर दी गई है। बीपी के दौर में महंगाई था तो हमने फिर हर गरीब औरत के घर में माली इमदाद पहुंची। बरियाल तालपुर सिंध में कायम जरई सल्तनत की बेताज मलिका बतौर डायरेक्टर जरदारी ग्रुप मुख्तलिफ किक बैक्स वसूल करती रही और इनसे उन्होंने सिंध में सैकड़ों एकड़ जरई अराजी खरीदी।